नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवराम। मैं एक आज एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूँ और ये एकदम सोचने वाली मुद्दा है। मैं ये मुद्दे को एक प्रश्न के साथ मैं आरंभ करता हूँ। ये प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के बारे में। दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये भाषा कैसे हमारे देश के संस्कृति में आ गया? क्या हमारे पूर्वज ये भाषा बात कर रहे थे? नहीं, ये हमारे पूर्वजों की भाषा तो नहीं है ना। फिर किस तरह ये भाषा हमारी ये संस्कृति में आ गया और अभी अपने देश को भी चला रहा है? सोच के देखो, क्या हमारे पूर्वज ने अपने ही क्या बोलते हैं, चॉइस से उन्होंने ये भाषा सीखी, या ये भाषा उन पर थोपा गया परिस्थिति के साथ? है ना, ये भाषा, ये कड़वा सच है, ये भाषा हम पर थोपा गया था ना, हमारे पूर्वजों पर। ये भाषा हमारी गुलामी की विरासत है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे 200 साल के ऊपर, तो वहां पर से ये अंग्रेज भाषा आ गया। उसके पहले तो हम, हमारे पुरुष कभी अंग्रेज में नहीं बात करते थे। रहे न रहे, भाषा, ये जो नाम इंडिया है, वो जो अंग्रेजों ने हमको, हमारे देश को दिया है, वो भी तो हमारा नाम नहीं है। हमारा नाम तो भारत है ना, हमारा देश का नाम। तो फिर भी ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी अंग्रेजी का प्राधान्य नहीं मिटा, है ना। नेहरू जी ने उसी तरह चलने दिया। चलो, जो हो गया वो हो गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकता है। और मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि मैं अंग्रेज भाषा के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी अंग्रेज भाषा को, मैं आई लाइक दैट, आई लाइक द लैंग्वेज। मैं उसमें पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन एक चीज है, मैं उस भाषा का गुलाम नहीं हूं। मैं भाषा बहुत अच्छा लिखता हूँ, अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ता भी ले पढ़ भी लेता हूँ, बात भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसको गुलाम नहीं हूँ। मेरे लिए हमेशा मेरी मातृभाषा तमिल और मेरी देशभाषा हिंदी हमेशा मायना रखता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ, स्पेशली आज के नए पीढ़ी युवक युवतियों को, मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंग्रेजी जरूर सीखे। इसे आपको एडवांटेज मिलता है, मुझको मालूम है कि आप बाहर देशों में जा रहे हैं तो अंग्रेजी बहुत आपको काम आता है। तो अंग्रेजी आप अच्छे सीखे, आप एक्सपर्ट बने, लेकिन उसके गुलाम मत बने। और किसी को भी ऊपर नीचे न देखे बेस्ड ऑन इंग्लिश, और किसी को नीचे न देखे, स्पेशली जब वो सिर्फ अपने देश भाषा में बोलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने भाषा पर प्राइड करें और अपने घर में अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में ही बात करें, और अंग्रेजी सिर्फ वहां पर यूज करें जहां पर आपको जरूरी है। जहां जरूरी नहीं है वहां आप अंग्रेजी यूज ना करें, और अपनी भाषा को अच्छी तरह पढ़ने लिखने की प्रयत्न करें। और अपने कंट्री में इतने और भी भाषाएं हैं, वो भाषा को आप सीखें। अगर आप साउथ का है तो कोई नॉर्थ का एक दो लैंग्वेज को सीखे, अगर आप नॉर्थ का है तो कोई आप साउथ की एक दो लैंग्वेज को सीखे लिखने पढ़ने में, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने ही कंट्री के तीन चार भाषा बहुत सरल से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, है ना। तो वो काम हम करें, हम अंग्रेज के दीवाना ना बने। तो देखो, हमारे पूर्वजों में इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे जो गणित अच्छे करते थे, रामानुजम, उनका पढ़ाई तो सिर्फ तमिल में हुआ था। जो हमारे आर्यभट्ट, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो बड़े बड़े तत्व को निकाले हैं साइंस में भी, वेदांत में भी, क्या वो अंग्रेजी में लिखे हैं सब तत्व, या अंग्रेजी में बोलते थे? गौर करो तो अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, अंग्रेजी कोई इंटेलिजेंस का सबूत नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, जैसा अपना 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 जितना भाषा है, सर अंग्रेजी भी भाषा है।
अंग्रेजी में बोलने से कोई फैक्ट और भी सच्चा नहीं हो जाता है, या देसी भाषा में बोलने से कोई फैक्ट झूठा नहीं हो जाता है। अगर आसमान नीला है तो स्काई इज ब्लू, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं हिंदी में बोला आसमान नीला है, या मैंने तमिल में बोला, या मैंने इंग्लिश में बोल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फैक्ट है वो किसी भाषा में भी आप बोले। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप ये नए जनरेशन, आप इसके बारे में गौर करें, ठीक है, और अंग्रेजी में पढ़े। जैसे मैं पहले बोला था, अंग्रेजी में पढ़े, आप अंग्रेजी को अच्छे अच्छी तरह पढ़े, और अच्छी तरह पढ़े, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़े, लेकिन उसकी गुलामी ना करें मेंटली। मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज बट डू नॉट बिकम इट्स स्लेव। जय हिंद, वंदे मातरम।